सोचने लगे थे। इसी मुतालिक फिलहाल पार्टी की मीटिंग भी चली, विचार भी हुआ और सब कयास लगा रहे थे कि जो पार्टी के नेता कहेंगे वो फिर विचार किया जाएगा। लेकिन बहुतायत जो संख्या थी विधायकों की वो हुडा के साथ थी। अशोक तंवर के खेमे में भी कई विधायक थे और आमना सामना हुआ। उसके बाद हुडा की चली, दबाव था आला कमान पर कि कुछ चुनाव सर पर थे, 90 सीटों का सवाल था, इसलिए हुडा को ही चुना पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ। किरण चौधरी को फिलहाल एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और एक साथ ये पार्टी को जोड़ने का जो काम था फिर से भूपेंद्र सिंह हुडा को दिया गया। अशोक तंवर अब अलग थलग पड़ गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का जो पद था वो भी गया उनका, और नैतिकता के हिसाब से हालांकि इन्होंने इस्तीफा भी दिया था लेकिन वो स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन बाद में हुआ जो ये पूरा प्रकरण, इसको लेकर अशोक तंवर कहीं ना कहीं आहत थे और फिर टिकट बंटवारे पर अशोक तंवर के जो गुट के नेता थे वो भी धरना प्रदर्शन करते नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भेदभाव हो रहा है और पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, हुडा अपने चहितों को फिलहाल टिकट दे रहे हैं। इसी बीच अशोक तंवर की फिलहाल आलाकमान ने नहीं सुनी और नतीजा ये रहा, अशोक तंवर को एक चिट्ठी लिखनी पड़ी। 26 साल पार्टी की सेवा की उन्होंने, तन मन से उन्होंने सेवा निभाई, लेकिन सियासत का ये हाशिए इस कदर खत्म हुआ कि उन्हें चिट्ठी लिखकर इस्तीफा देना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ लिविंग इंडिया न्यूज पर खास बातचीत की अशोक तंवर ने, हमने उनसे सवाल पूछे और उन्होंने क्या कुछ कहा इस मुतालिक, ये सुनेगा आप। अच्छा, तो रिजाइन का तो सर पिछली बार आपने पीसी में भी बोला था कि वो तो मैंने पोस्टर से किया था, कांग्रेस से कर जो पहले वो जिससे बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो रिजाइन का तो सर पिछली बार आपने पीसी में भी बोला था कि वो तो मैंने पोस्टर से किया था, कांग्रेस से कर तो इस्तीफा देने की बात की है। साफ तौर पर अशोक तंवर ने क्या कहा आपने सुना, लेकिन 26 साल पार्टी की सेवा की, अब इस पर तंज कसना भी शुरू हो गया है, चाहे वो सीएम मनोहर लाल हो या फिर कोई और बड़ा चेहरा हो। कांग्रेस की इस अंतर्कलह पर हर कोई बयानबाजी दे रहा है, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस के लिए यह सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो सकता है। गुटबाजी जो है वो पहले चार भागों में समझी जाती थी, किरण चौधरी का अलग गुट, भूपेंद्र सिंह हुडा का अलग से गुट और सुरजेवाला का अलग से गुट और इधर अशोक तंवर का अलग से गुट, और मैंने 26 साल पार्टी की सेवा की, काफ़ी आहत है हालांकि कांग्रेस पार्टी से अशोक तंवर के अस्तित्व पर। हालांकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी कहा है जिस प्रकार का कांग्रेस का हाल सबको पता है और जिस बात को लेकर इस्तीफा दिया है, कांग्रेस में बिना पैसे के वहाँ कुछ नहीं चलता। कांग्रेस में पहले भी ऐसा होता रहा है, बहुत से कार्यकर्ता कांग्रेस से हमारे संपर्क में है और अशोक तंवर को हमारी ओर से पार्टी में आने के लिए कोई न्योता दिया गया। आने वाले दिनों में हरियाणा के कई जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुनावी रैली होगी, लेकिन फिलहाल अशोक तंवर के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब अशोक तंवर का अगला कदम क्या होगा। क्या किसी बड़े दल को ज्वाइन करेंगे या फिर तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे। हरियाणा की सियासत की अब तक की बड़ी खबर, इस्तीफा अशोक तंवर का, पार्टी से नाराज की, अपनों से ही नाराज और हमेशा से ही एक मंच पर इकट्ठे नहीं हुए, ये दो दिक्कत, चाहे हुडा की बात की जाए, चाहे अशोक तंवर की बात की जाए, चाहे परिवर्तन बस यात्रा की बात की जाए या फिर हरियाणा में तमाम जगहों पर जो बड़ी रैलियां हुई हैं, चाहे रोहतक की एक बड़ी रैली की बात की जाए जब भूपेंद्र सिंह हुडा ने शुरुआत की थी। अब आपको कारण दिखाएंगे अशोक तंवर ने भला इस्तीफा क्यों दिया है। अशोक तंवर अपने समर्थकों को टिकट नहीं मिलने से खफा थे, हालांकि कुछ विधायक भी हैं जो इनके साथ चलते हैं और पुराने साथी भी। समर्थकों को टिकट नहीं मिला इस बात की नाराजगी थी। टिकट वितरण में अशोक तंवर की राय को नजरअंदाज किया गया। हरियाणा कांग्रेस में बदलाव के बाद से खफा चल रहे थे अशोक तंवर। बदलाव जो हुआ, तब्दीलियाँ हुई, कईयों को बड़े पद मिले, कईयों को नहीं और खुद का कुर्सी भी जाती नजर आई, इसलिए फिलहाल नाराज चल रहे थे। चुनाव से पहले अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया। चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष के पद से फिलहाल इनको हटाया गया और दलित वोट बैंक भी हालांकि इनका काफी अच्छा है कई जगहों पर। हालांकि हो सकता है कांग्रेस को दलित वोट बैंक का भी नुकसान हो। स्टार प्रचारकों की पहली सूची में अशोक तंवर का नाम नहीं था।
यानी कि स्टार प्रचारकों की जो सूची बनाई है, पंजाब के भी हालांकि कई नाम है इसमें, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए या फिर बड़े और चेहरे की, इसी तरीके से हरियाणा या फिर दिल्ली से भी या फिर यूपी से भी कई नेता पहुंचेंगे और स्टार प्रचारक का काम करेंगे। लेकिन अशोक तंवर प्रदेशाध्यक्ष के पद से इनको हटाया गया और स्टार प्रचारकों की सूची में भी इनको शामिल नहीं किया गया। मलाल इस बात का नहीं, मलाल मुख्य तौर पर इस बात का था कि समर्थकों को टिकट नहीं मिला, नाराज थे और खुद का पद भी कांग्रेस आला कमान ने छीन लिया दबाव के चलते, हुडा के दबाव के चलते, कुछ विधायकों के दबाव के चलते जो हुडा के खेमे से थे और लगातार आमने सामने ये दो जो गुट थे वो लगातार होते रहे, चाहे आम मंचों की बात की जाए, बड़ी रैलियों की बात की जाए या फिर आम जनसभाओं से लेकर बयानों तक। हालांकि मजबूरी इनकी बन गई थी कि जब भी सवाल पूछा जाता था कि क्या अगले कार्यक्रम में एक साथ होंगे तमाम कांग्रेसी, तो मजबूरी ये थी कि हाँ भरनी पड़ती थी। लेकिन फिलहाल अब दिल की बात सामने आई और इस्तीफे पर ख़त्म हुई। प्रकाश कुलारा लिविंग इंडिया न्यूज़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, साफ तौर पर अशोक तंवर की बात की जाए, एक बड़ा चेहरा, आपको याद होगा रोहतक में जब रैली हुई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते थे और हालांकि कृष्णमूर्ति हुड्डा से भी जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था जैसे कार्यकर्ता कहेंगे वैसा कदम उठाया जाएगा और वैसा ही होगा। हालांकि आला कमान से मीटिंग होती है, हुड्डा की फिर मानी जाती है और प्रदेशाध्यक्ष का पद भी तंवर से छीना गया। ये जो शुरुआत है कह सकते हैं वहीं से शुरू हुई और इसका नतीजा ये इस्तीफे तक खत्म। देखिए अमर, जिस तरह से अगर हरियाणा में अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो ये जो बगावत के जो सुर उठे हैं या जो गुटबाजी थी, धड़ेबाजी थी, वो लगातार यहाँ पर कांग्रेस उसका सामना कर रही थी। हर बार कहीं ना कहीं तौर पर कांग्रेस के अंदर ये अंदरूनी गुटबाजी देखने को मिलती थी, चाहे बेशक वो हुड्डा गुट हो, किरण गुट हो या फिर शैलजा गुट हो या फिर उसके बीच में अशोक तंवर का गुट हो। लेकिन आज जो सबसे बड़ा आज अशोक तंवर ने फैसला लिया है, उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से एकाएक इस्तीफा दे दिया है, यानी कि चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। इसको झटका इस तरह से मान सकते हैं क्योंकि जहाँ भूपेंद्र हुड्डा के साथ कुमारी शैलजा को जो कमान दे दी गई, उसके बाद से जो हरियाणा में कांग्रेस के जो पुराने नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा था जब अशोक तंवर प्रदेशाध्यक्ष थे, तो युवाओं को सबसे ज़्यादा अशोक तंवर के समय में तरजीह दे दी जाती थी। लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से अशोक तंवर ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से कांग्रेस के सामने सबसे ज़्यादा अब यहाँ पर एक चैलेंज रहेगा कि युवाओं को किस तरह से वो अपने साथ इस चुनाव में जोड़ सकते हैं। हालांकि जो पुराने नेता थे, जो लगातार पार्टी से जो नाराज़ थे, वो कहीं ना कहीं उनको उन्होंने मनाने में, तो वो सोनिया गांधी ने जो बदलाव किया था उसमें वो कहीं ना कहीं तौर पर कामयाब भी रही। लेकिन अशोक तंवर का इस्तीफा ये जग जाहिर कर देता है कि हरियाणा में जो गुटबाजी है वो कभी भी कांग्रेस के अंदर से खत्म नहीं हो सकती है। हमारी सहयोगी दिल्ली से भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनीषा, हरियाणा में तो जो कुछ हो रहा है लगातार दिखा रहे हैं, एक बड़े अध्याय का अंत और अशोक तंवर चुनावों से ऐन मौके पर पीछे हटते नजर आ रहे, इस्तीफा दिया है। दिल्ली में क्या खलबली चल रही है कांग्रेस के खेमे में? मनीषा, पहले जो तमाम नेता हुआ करते थे वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अशोक तंवर काफी दिनों से दिल्ली में ही मौजूद थे और अब जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है पार्टी से ही इस्तीफा देने का, कांग्रेस से ही इस्तीफा देने का, तो कहीं ना कहीं जो सियासी हलचले हैं वो दिल्ली में और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। सुबह ही जिस तरीके से अशोक तंवर से हमारी बातचीत हुई थी तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये संदेश दिया है या ये सार्वजनिक तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अगर इस्तीफे की अगर डेट देखी जाए तो उसमें 4 अक्टूबर की डेट है, लेकिन तो उसमें लेकिन आज इस्तीफा जो है उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। और ये भी कह सकते हैं पिछले काफी दिनों से जो अशोक तंवर है उनकी पार्टी में नहीं सुनी जा रही थी, 2 दिन पहले उनकी ओर से प्रेस वार्ता की गई थी जब उन्होंने बताया था कि वो किस तरीके से नाराज है, क्योंकि उनकी ओर से ये भी कहा गया था कि उन्होंने 85 अपने जो समर्थक हैं उनकी जो लिस्ट है वो कांग्रेस को दी थी ताकि उन लोगों को टिकट दिया जाए, लेकिन उसमें से 1 या 2 समर्थक भी ऐसे मौजूद नहीं थे जब लिस्ट आई कांग्रेस के 90 उम्मीदवारों की। मनीषा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश,
क्या कांग्रेस को नुकसान होगा तंवर के जाने से, ये गुटबाजी जो है चुनावों के एन मौके पर? अमर बिल्कुल सही, कांग्रेस को काफी नुकसान भुगतना पड़ सकता है क्योंकि कांग्रेस लगातार अपनी कलाईबाजी से बाहर नहीं आ रही है। अशोक तंवर लगातार इस बात की वो जिद पकड़े हुए थे कि उनके समर्थकों को टिकट दे दी जाए। जब कांग्रेस पहली सूची जारी करती है तो उसमें देखा जाता है कि हुड्डा गुट के जो तकरीबन जो समर्थक थे, जो हुड्डा गुट जो हुड्डा की तरफ से जो नाम वहाँ पर सुझाए गए थे उनको सबसे ज़्यादा वहाँ पर टिकट दी जाती है, अशोक तंवर के समर्थकों को टिकट नहीं मिलती है। उसके बाद जब दूसरी लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी जाती है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा नाम देखने को मिलते हैं वो शैलजा के समर्थकों के सबसे ज़्यादा उसमें नाम थे। यानी कि अशोक तंवर लगातार ये आवाज़ जो उठा रहे थे कि जो टिकट वितरण में उनकी राय को नहीं सुना जा रहा। और इसके बीच में सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई थी कि अशोक तंवर ने सोनिया गांधी को खास तौर पर एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने ऐसे 85 अपने समर्थकों के नाम सुझाए थे जिनको टिकट देने की उन्होंने सिफारिश की थी और उनमें से करीब एक या दो को ही वो टिकट दे पाए। उसके बाद जो टिकट नहीं दिया गया अशोक तंवर की सबसे ज़्यादा नाराज़गी यही थी। लेकिन इस बीच में जो एक बदलाव किया गया, अशोक तंवर को लगातार यहाँ से हटाने की कोशिश हुई, अशोक तंवर पर यह आरोप लगा कि कांग्रेस जो हरियाणा में संगठन कमज़ोर है उसके कोई ना कोई जिम्मेदार जो है वो अशोक तंवर है क्योंकि वो कांग्रेस के संगठन को वहाँ पे खड़ा नहीं कर सके और लगातार ये मांग उठ रही थी लोकसभा के चुनाव से पहले। प्रकाश मेरे साथ जुड़े रहे हैं, अनमोल गुलाटी हमारे संवाददाता भी सिरसा से हमारे साथ जुड़े हैं। अनमोल, हरियाणा आप कवर कर रहे हैं, तमाम इलाकों का हाल आप देख रहे हैं, लेकिन खासतौर पर सिरसा की बात की जाए, अशोक तंवर से ताल्लुक है, क्या सरगर्मियाँ देख पा रहे हैं उनके इस्तीफे के बाद? जी बिल्कुल अमर, सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि अशोक तंवर पार्टी में, अशोक तंवर एक बड़ा नाम है जिनकी कहा जा सकता है कि वोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। अब जब कांग्रेस छोड़ चुके हैं तो इसके पीछे काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहला तो ये था कि अशोक तंवर को काफ़ी उम्मीदें थी पार्टी से, तंवर जो ग्रुप था, तंवर पूरा ग्रुप जो था, उस तंवर ग्रुप के अंदर लोगों को टिकट्स नहीं मिली जिसकी वजह से नाराज़गी जो थी वो नज़र आ रही थी। सूत्रों के हवाले से पता भी चला था कि सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा है इन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी जो थी वो पार्टी की नज़र आ रही थी। लेकिन कहा जा सकता है इस चुनाव के दौरान बिल्कुल जब आचार संहिता लग चुकी है, विधानसभा चुनाव बिल्कुल आने वाले हैं, उस बीच तंवर ग्रुप का ऐसे पार्टी को छोड़ना तो काफ़ी जो कि है पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, वोट पार्टी के काफ़ी टूट सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात की जाए तो गुटबाजी जैसे की थी तो एक गुट अगर ख़त्म हो गया तो ये भी स्पेकुलेट किया जा सकता है कि अगर गुटबाजी पार्टी से ख़त्म होती है, जैसे कि तंवर ग्रुप छोड़ चुका है, अगर तंवर ने छोड़ दिया तो ग्रुपिज्म जो था, क्योंकि मुख्य रूप से दो ही ग्रुप होते थे, एक हुड्डा ग्रुप था एक तंवर ग्रुप था, अगर तंवर ग्रुप छोड़ जाता है तो शायद पार्टी स्ट्रेंथन हो सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात की जाए, इन चुनावों की बात की जाए तो ज़रूर हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर नुकसान भुगतना पड़ेगा पार्टी को अशोक तंवर के छोड़ने की वजह से। जी अनमोल, सवाल इसलिए भी वाजिब क्योंकि सिरसा की बात की जाए तो भाजपा की एमपी हैं यहाँ पर सुनीता, एक बड़े मार्जिन के साथ जीत कर आएँ, 60% पंजाबी वोट बैंक है इस इलाके में जहाँ पर आप खड़े हैं, लेकिन अशोक तंवर की बात की जाए तो एक बड़ा कद रखते हैं हरियाणा की राजनीति में और कांग्रेस में, उनके खेमे से भी कई विधायक थे जो लगातार उनके पार्टी में रहने को अड़े हुए थे और जो गुटबाजी हो रही थी उसको लेकर धरना प्रदर्शन भी उन्होंने कई बार किया। लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा चुनावों की बात की जाए वो अलग, लेकिन विधानसभा चुनाव जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, हर एक नेता की पहचान उसकी छवि और उसकी धाक पर आधारित होते हैं। सवाल ये है क्या अशोक तंवर के जाने के बाद, इस्तीफा देने के बाद पार्टी का मनोबल गिरा है, क्या यहाँ पर कांग्रेस जो है वो कमज़ोर नज़र आ रही है और इसका जो फ़ायदा है वो इनेलो भाजपा या फिर जजपा को जाता नज़र आएगा? बिल्कुल अमर, कहा जा सकता है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जैसे कि अशोक तंवर एक बड़ा नाम है, अशोक तंवर का पार्टी के अंदर और हरियाणा की राजनीति के अंदर एक काफ़ी ऊंचा कद है जिसकी वजह से काफ़ी ऐसे विधायक थे, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे जो अशोक तंवर की सुनते थे, अशोक तंवर की मानते थे, अशोक तंवर की जो टीम थी पूरी कहा जा सकता है। और अब अशोक तंवर के इस्तीफे के बाद काफ़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि पार्टी को छोड़ेंगे जिसकी वजह से पार्टी को इस चीज़ का खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा और साथ ही साथ जो वोट बैंक टूटेगा वो वोट बैंक टूटने के बाद कौन सी पार्टी की तरफ जाता है, किसकी वोटर्स का रुझान किसकी तरफ जाता है, प्रकाश देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से चीजें चल रही हैं क्या समझें खुद कांग्रेस के लिए, आलाकमान के लिए ये जो अशोक तंवर का फैसला है वो आसान ना होगा, हालांकि समझाने बुझाने की वो कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ये इतिहास रहा है जिस भी नेता ने चुनावी मौसम में पार्टी छोड़ी है उसने दल बदल बिल्कुल मारा और वोट बैंक भी दूसरी पार्टी को शिफ्ट हुआ है। हालांकि
अशोक तंवर की बात की जाए, उन्होंने ये कहा है मैं साधारण कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। वाकई इस बात को लेकर चलें या फिर एक बड़ा बदलाव हो सकता है, किसी बड़े दल की ओर देख सकते हैं? देखिए अमर, जब इस्तीफा दे दिया जाता है तो यानी कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कुल मिलाकर यह कि अशोक तंवर और कांग्रेस के बीच में अब दूरियां बन चुकी हैं, नज़दीक तक नहीं है अशोक तंवर। अब अशोक तंवर जो लगातार जो सियासत करते आ रहे थे, इतना आसान उनके लिए भी नहीं होगा कि वो सियासत से एक कदम पीछे हो जाएं। यानी कि वो सियासत में रहेंगे, लेकिन अगला रुख उनका ये देखने वाला होगा कि आखिर वो हरियाणा में जिस कांग्रेस की गुटबाजी को ख़त्म करने की, जिस कांग्रेस को बचाने की वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर वो अब उसको किस ढंग से लड़ते हैं। लेकिन इस बीच में अगर देखा जाए कि जब से अशोक तंवर लगातार नाराज थे, उन्होंने पार्टी हाईकमान के पार्टी दफ्तर के बाहर जो प्रदर्शन किया, उसके बाद से कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को ये लग चुका था कि अशोक तंवर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लिहाजा उसके बाद जब कल जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई, उस लिस्ट में अशोक तंवर का नाम फिर से शामिल कर लिया गया। यानी कि पार्टी हाईकमान को यह पूरा पता था कि अशोक तंवर बड़ा फैसला ले सकते हैं, उनको मनाने की एक कोशिश कल से ही शुरू कर दी गई थी। लेकिन पार्टी की जो स्टार प्रचारक की सूची है, उसमें से नाम आने के अगले दिन जिस तरह से अशोक तंवर इस्तीफा दे देते हैं, ये एक सख्त संदेश है कि वो मानेंगे नहीं। बेशक पार्टी लगातार किसी भी तरह से दिल्ली का सीधा रुख करते हैं। अशोक तंवर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाएं और दिखाएंगे आपको। पहले ये तस्वीरों में देखिए आप किस तरीके से ये पहुंचे। अशोक तंवर पार्टी से इस्तीफा दिया है, अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधा तस्वीरें दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं। और अगले फैसला क्या होगा, अगला फैसला क्या होगा अशोक तंवर का, ये बड़ा सवाल है। टिकट बंटवारे से खफा थे अशोक तंवर, और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और 26 साल पार्टी की सेवाएं की हैं अशोक तंवर, ये बात कहते नजर आए। और साफ तौर पर आपने देखा यहाँ पर पहुंचे हैं, हालांकि मीडिया के सवाल होंगे, जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या है। लेकिन एक जो आरोप है वो सबसे बड़ा संगीन आरोप है, टिकट बंटवारे में धांधली। प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश, टिकट बंटवारे में धांधली का जो आरोप लगा है, ये कितना बड़ा आरोप हो सकता है कांग्रेस के लिए और कितना नुकसानदायक? देखिए अमर, अभी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि अशोक तंवर का जो घर है, उसके घर से भी, उनके घर से भी पार्टी के जो झंडे हैं, जो बैनर हैं, वो भी उतार दिए गए हैं। यानी कि बिल्कुल साफ संदेश अशोक तंवर का यहाँ पर मिल चुका है कि अशोक तंवर ने कांग्रेस से अपनी दूरियाँ बना ली हैं, जिसका लगातार ये कहा जा रहा था कि अशोक तंवर अपने बयान में भी ये कहते हुए सुनाई दिए गए थे कि वो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। लेकिन अब वो साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं, बल्कि अब वो पूरी तरह से दूरी बना चुके हैं, यानी कि वो अब कांग्रेस में नहीं है, ये बिल्कुल समझना होगा। इस बीच में जब अशोक तंवर ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने लिविंग इंडिया न्यूज़ से सबसे पहले बातचीत की थी, और उन्होंने साफ तौर पर ये उस बातचीत में भी हम सुन सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि उन्होंने पार्टियों से दूरी बना ली है, लेकिन अब वो एक नया रास्ता चुनेंगे, क्योंकि लगातार पिछले काफ़ी समय से वो सियासत करते आ रहे थे, लेकिन अब वो सोचेंगे, समझेंगे अपने समर्थकों के साथ, अब वो बातचीत करेंगे कि आखिर अब कौन सा नया रास्ता अपनाएं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कर दिया था कि अब वो एक नया रास्ता चुनेंगे। अब देखना यही होगा कि आखिर वो नया रास्ता कौन सा होगा, और क्या ये नया रास्ता, क्या इसी नए रास्ते के पथ पर चलते हुए क्या अशोक तंवर, जो कांग्रेस को लगातार ये कहते आ रहे थे कि कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी है, कांग्रेस जो खत्म होती जा रही है, जो एक विचारधारा, जिस विचारधारा के लिए कांग्रेस जानी जाती थी, वो भी खत्म करने की कोशिशें हो रही है, क्या अशोक तंवर उस रास्ते पर चलते उन सभी बाधाओं से निपट पाते हैं या फिर नहीं? बिल्कुल अनमोल, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनमोल, अगर मैं सिरसा की बात करूं, अनमोल सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो सवाल आपसे ये है, डॉक्टर अशोक तंवर, भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI के पूर्व राष्ट्रीय और वर्तमान में सिरसा से सांसद भी रहे, और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रपति जैसे पद वाले एक बड़े व्यक्ति से भी ये पुरस्कार पाने वाले एक बड़े नेता रहे, जवाहरलाल नेहरू नेटवर्क के भी सदस्य रहे, तो ये अभी तक का इनका प्रोफाइल है, एक बड़ा कद है। लेकिन सवाल ये है, अगर अशोक तंवर की बात की जाए या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, तो जो तलखियाँ चली, जो दूरियाँ चली, हालाँकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी एक बड़ा कद है, जाटों में अच्छी उनकी पहचान है, जाट वोट बैंक काफ़ी अच्छा है उनका, चाहे रोहतक की बात की जाए, चाहे सोनीपत की बात की जाए या फिर और जगहों की, लेकिन दूसरी तरफ मुद्दों की बात की जाए या फिर दूरियों की बात की जाए, ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर ख़त्म हुआ, ये सब जानते हैं। लेकिन वाकई आला कमान ने अशोक तंवर को दरकिनार करके कोई बड़ी भूल तो नहीं कर दी, क्योंकि कहा जाता है इतना बड़ा कद है इनका, दलित वोट बैंक भी इनका काफ़ी ज़्यादा है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया तमाम चीज़ें, एक बड़ा वाजिब सवाल इसलिए भी क्योंकि चुनाव सर पर हैं और दूरियां लगातार।
बिल्कुल अमर, अगर माना जाए देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कद है पार्टी में वो काफ़ी ऊंचा है। सोनीपत, पानीपत और रोहतक ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर जितने भी जाट वोट बैंक है वो ज़्यादातर हुड्डा ग्रुप को ही अपना वोट देता है। लेकिन बात की जाए अगर अशोक तंवर की तो अशोक तंवर का पॉलिटिकली प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। पॉलिटिकली प्रोफाइल स्ट्रांग होने की वजह से वोटर्स काफ़ी हैं जो कि अशोक तंवर के साथ थे। अब जो कि है, हालांकि पार्टी से जब अशोक तंवर ने इस्तीफा दिया उसकी वजह से खुश काफ़ी लोग होंगे क्योंकि ग्रुपिज्म था पार्टी के अंदर जिसकी वजह से पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इस चुनाव के अंदर देखा जाए तो इस चुनाव के अंदर अंदर काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि अशोक तंवर को पार्टी से उम्मीदें बहुत थी, वो उम्मीदें टूटती नज़र तब आई जब टिकट्स का आवंटन हुआ तो अशोक तंवर के ग्रुप के किसी भी मेंबर को, तंवर ग्रुप में से किसी को भी टिकट नहीं मिली जिसकी वजह से अशोक तंवर की काफ़ी नाराज़गी व्यक्त उन्होंने की और सामने आई और अब जो है फाइनली उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब रेजिग्नेशन देने की वजह से काफ़ी जो है पार्टी को नुकसान पहुंचता नज़र आएगा क्योंकि कुछ ही समय रह गया है विधानसभा चुनाव के अंदर। विधानसभा चुनाव में जैसे कि आचार संहिता भी लग चुकी है, विधानसभा चुनाव बिल्कुल आने वाले हैं तो वोट जो कि हैं वो जो कि खासकर सिरसा साइड की जो बेल्ट है इसके अंदर अशोक तंवर के काफ़ी वोट्स हैं, अशोक तंवर के अंदर काफ़ी वोट्स आते हैं, वो जो वोट्स हैं अब वो काफ़ी टूटेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर अशोक तंवर जैसे रेजिग्नेशन दे दिया है इसके बाद वो किसी पार्टी के साथ, किसी और पार्टी का साथ देंगे या फिर निर्दलीय कुछ अपनी एक मुहिम शुरू करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो वोट्स हैं ये लाजमी सी बात है कि वोट जरूर चुनाव में जो कुछ हुआ वो आप भी जानते हैं। राहुल गांधी खुद साइडलाइन लगते नजर आए, क्या कहें, कांग्रेस का मोराल इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि जहां पर कांग्रेस थोड़ी बहुत मजबूत है या फिर खास चेहरों की वजह से मजबूत है, मसलन कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा चेहरा, मसलन कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ा चेहरा, इसीलिए स्टार प्रचारकों की सूची में भी डालना इनको वाजिब नहीं समझा, चाहे पंजाब की बात की जाए नवजोत सिंह सिद्धू हरियाणा के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर या फिर अशोक तंवर की बात की जाए, तो ये दबाव की स्थिति समझें हम आलाकमान के लिए। बिल्कुल तरह से ये दबाव की एक स्थिति है और जिस स्थिति पर आज कांग्रेस पहुंच चुकी है हरियाणा में, साफ तौर पर संदेश है उन्हें कि उन्हें अपनी जो एक ज़मीन जो मजबूत बनानी चाहिए थी वो फिलहाल वो उसकी ज़मीन मजबूत नहीं बना सकी है। बेशक उन्होंने एक परिवर्तन किया हो लेकिन अशोक तंवर जिस तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद से अशोक तंवर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते थे। उसके बाद सोनिया गांधी आई तो सोनिया गांधी के आने के बाद जब उन्होंने अध्यक्ष पद फिर से संभाला तो उसके बाद से काफ़ी हमें चेंजिंग देखने की मिली है और सिर्फ ये हरियाणा में ही नहीं बतौर अगर इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो कल ही महाराष्ट्र से भी वहाँ पर इस्तीफे दे दिए गए हैं जो राहुल गांधी के काफ़ी करीबी नेता थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। यानी कि अब कांग्रेस एक ऐसे दौर पर पहुँच चुकी है जहाँ पर उसे समझना होगा कि आखिर जो उसके नाराज हो रहे हैं नेता जो उसे बीजेपी के साथ एक लड़ने के लिए जो लगातार कांग्रेस हाथों पर हाथ मार रही है आखिर अब उसे एक ज़रूरत है ये समझने की कि आखिर वो कैसे खुद को मजबूत कर पाए क्योंकि जिस दौर पर आज कांग्रेस पहुंच चुकी है यहां पर सबसे बड़े उसके लिए चैलेंजिंग चुनाव जीतने से ज्यादा है अपने उन नाराज नेताओं का दिल जीतना काफी जरूरी होगा जो लगातार उसे दूरियां बनाते जा रहे हैं। और अशोक तंवर ने आज जो हरियाणा में किया है इसका खामियाजा जो चुनावों में है ये उसे भुगतना पड़ सकता है और लिहाजा बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। इनारो जैसे जो दल हैं जिन्होंने इस बार अकाली दल के साथ मिलकर जो इस चुनाव में उतरे हैं उनके वो भी कोई इस मौके का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। साफ तौर पर अशोक तंवर ने अभी अपने जो ट्विटर अकाउंट है वहां पर भी अशोक तंवर ने बिल्कुल ब्लैक कर दिया है जो अपनी फोटो है वो वहां पर हटा दी और एक काली तस्वीर लगा दिया। यानी कि अशोक तंवर ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जो आज का दिन है वो एक काला दिन है उनके लिए और कांग्रेस के लिए। बिल्कुल अनबोल, सवाल आपसे ये, कांग्रेस को हाईजैक करने के भी आरोप जो हैं वो अशोक तंवर लगा चुके हैं और पहले जैसे कि हम जिक्र कर चुके हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर धांधली के आरोप लगा रहे हैं, कुछ जनता भी आपके पास यकीनन खड़ी होगी इस मसले में, आप सवाल भी कीजिएगा। लेकिन वाकई ये एक बड़ा सवाल आला कमान के लिए भी है और आला कमान को मंथन करना होगा कि कांग्रेस किस कदर जा रही है और गुटबाजी को पहले ख़त्म किया जाना काफ़ी ज़रूरी था, अब जो चीज़ें हो रही हैं वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। अनमोल, बिल्कुल अमर, अगर ये इन चीज़ों पर पहले मंथन कर लिया जाता, इन चीज़ों पर पहले ध्यान दे दिया जाता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता क्योंकि जो कि जिस जैसे कि इल्ज़ाम लगाए हैं काफ़ी संगीन जो कि आरोप लगाए हैं अशोक तंवर ने पार्टी के ऊपर कि टिकटों को बेचने की बात जो की है वो कही गई है जिसके कारण पार्टी की इमेज भी काफ़ी ख़राब हो रही है और साथ ही साथ जबकि अशोक तंवर के काफ़ी वोट्स हैं, अशोक तंवर के पास एक बड़ा वोट बैंक है
वो वोट बैंक जो किया वो जब पार्टी से अलग होगा पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि वोट्स नहीं मिलेंगे और ये वोट टूट के ज़रूर बाकी पार्टियों की तरफ जाएंगे और कहीं ना कहीं जेजेपी जैसे जेजेपी हो गई, एनएलओ हो गई या भाजपा हो गई, इन पार्टियों का इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होगा। एक तरफ कांग्रेस को नुकसान हो रहा है तो उस जो नुकसान है कांग्रेस को उसका फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों को। जी अमर, देखो प्रकाश, कर्मचारी नेता या फिर ट्रेड यूनियन के किसी सदस्य को कहा जा रहा था कि टिकट दे तो ज़्यादा बढ़िया है, इस तरीके का सुझाव दिया गया था। और दूसरी तरफ कहा यह गया था जेजेपी और इनेलो से अगर कोई पैराशूट लैंडिंग के द्वारा कांग्रेस में आता है नेता तो उसको भी आप टिकट मत दीजिए। क्या वाकई ऐसा हुआ है कि इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो चाहा वो किया? देखिए, नाराज़गी है तो काफ़ी है अशोक तंवर की कांग्रेस से, लेकिन इस नाराज़गी के बीच में सबसे बड़ी नाराज़गी यही है कि अशोक तंवर ने साफ तौर पर पार्टी हाईकमान को ये सुझाव दिया था कि जो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं बेशक उन्हें उसमें सफलता हासिल हो या ना हुआ ही हो, वो फिर से वो दोबारा चुनाव ना लड़े, यानी कि विधानसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवार ना घोषित किया जाए। लेकिन जब सूची जारी होती है कांग्रेस की तरफ से तो उसमें जो पहला नाम निकल के आता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी सामने से निकल कर आता है कि उन्हें फिर से उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए भी ऑफर कर दिया जाता है, उन्हें टिकट दे दी जाती है। तो नाराज़गियाँ तो काफ़ी हैं यहाँ पर और उस लिस्ट पर अशोक तंवर का जो नाम है वो शामिल नहीं होता, तो साफ तौर पर पार्टी हाईकमान की तरफ से भी अशोक तंवर को जिस तरह से लगातार उनको नज़रअंदाज किया जा रहा था तो अशोक तंवर उसी नाराज़गी का आज शिकार हुए थे। और उन्होंने जो ऐलान किया है और जिस हिसाब से पार्टी दफ्तर के बाहर से जो उनके एक मैसेज करने पर सिर्फ एक ऑडियो मैसेज किया था ग्रुप में उन्होंने, और उसके बाद वहाँ पर हरियाणा से कांग्रेस के उनके जो समर्थक थे वो वहाँ पर पहुँच गए, उन्होंने डेरा जमाया, वहाँ पर हुड्डा के खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ नारेबाजी की। और जो वहाँ पर एक भीड़ देखने को मिली थी वो साफ तौर पर था कि अगर अशोक तंवर के एक ऑडियो मैसेज के जाने के बाद से, जिसको पहले शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि अशोक तंवर की नहीं हो सकती लेकिन आवाज़ उन्हीं की थी, उसके बाद में जिस तरह से वहाँ पर भीड़ पहुँची उसके बाद अगर अशोक तंवर अब किनारा कर चुके हैं तो ये साफ समझना होगा कि अशोक तंवर कितनी पैंट रखते हैं वहाँ पर। आखिर इस चुनाव में कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो उनके समर्थकों की तादाद है, अशोक तंवर के साथ जो काम कर चुके हैं, या हम कहें कि एक खास उनके साथ ये चिन्ह लगा हुआ था कि वो युवाओं को साथ लेकर सबसे ज़्यादा चलते हैं और युवा कांग्रेस को वो लगातार हरियाणा में मजबूत करते आ रहे थे, तो अशोक तंवर के जाने के बाद ये सभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं। तो लगातार ये सब चीज़ें अब कांग्रेस को निकलना होगा उस भंवर से जहां पर कांग्रेस फंस चुकी है। चुनाव के बीच में इस तरह का एक जो बड़ा झटका अशोक तंवर ने दिया है, ऐसे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो चुनाव के लिए उन पर एक जोश भरा जा रहा था उनका जो एक आत्मविश्वास है वो भी यहां पर कम होगा। और यहां पर जो अशोक तंवर ने जो एक बड़ा जो एक मास्टर स्ट्रोक ही कह सकते हैं इसे कि कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने जो खेला है, अब इसमें बीजेपी कितना फ़ायदा उठा सकती है या बाकी अन्य दल कितना फ़ायदा उठा सकते हैं तो आने वाला कल कहेगा, लेकिन अशोक तंवर की राहें अब बिल्कुल तौर पर जुदा हो चुकी हैं और शायद कांग्रेस को भी इस बात की बिल्कुल भनक तक नहीं थी कि अगर हम इस तरह से एक बड़ा अशोक तंवर की नाराज़गियों को अगर हम दूर नहीं करते तो ऐसा वो कोई कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल प्रकाश, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 134 साल पुरानी ये पार्टी है, लेकिन हाशिए जो है जो नज़र आ रहा है वो सबको मालूम है और कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अशोक तंवर की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा है, याद रखना मैं मानव बम हूँ और एक के बाद एक बड़े खुलासे करूँगा, चुप नहीं रहूँगा। तो ये समझें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी घेरने की शुरुआत वो कर चुके हैं और लगातार जहाँ भी जाएंगे उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाएगा उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, समर्थकों के द्वारा। देखिए, हुड्डा के खिलाफ तो अशोक तंवर लगातार शुरुआत से ही देखते आ रहे थे कि वो मुखर होकर बोल रहे थे और इस बीच में जिस तरफ से अब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद उनके जो कार्यकर्ता होंगे वो लगातार हो सकता है कि वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनका विरोध भी करें, हो सकता है कई जगह में वो अब खुलकर बेशक सामने ना आए लेकिन पर्दे के पीछे से जो सियासत में एक चाल होती है कि अगर अपने किसी दुश्मन को हराना हो चुनाव के दौरान तो फिर उसका बाहर से वो समर्थन कर देते हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब जो तमाम चीज़ें थी वो सब कुछ कांग्रेस के बीच में से निकल चुकी हैं, कांग्रेस के पास जो एक मुद्दा था कि वो अपने आप को यहाँ पर मजबूत होकर चल सकता था, हम लगातार ये सुनते आ रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद जो बड़ी एक करारी हार मिली थी, कांग्रेस लगातार ये कहती आ रही थी कि हम एकजुट होकर हरियाणा में जो अब विधानसभा के चुनाव आएंगे हम एकजुट होकर उसे लड़ेंगे, लेकिन ये एकजुटता जो सामने जिसकी बातें की जा रही थी सिर्फ हवा हवाई होती हुई दिखी है, क्योंकि अगर एकजुट होने की ज़रूरत होती, एकजुट अगर कोशिश की जाती तो आज इतना बड़ा सब कुछ जो सामने निकल कर ना नहीं आता।
पार्टी हाईकमान की ओर से कोशिशें बिल्कुल की जा रही थी। लगातार राहुल गांधी भी ये कोशिश कर रहे थे कि हुड्डा जो एक पत्र लिख चुके थे कि अशोक तंवर को हटाया जाए, उस वक्त राहुल गांधी अध्यक्ष थे, उस वक्त भी उन्होंने बिल्कुल कोशिशें की थी, लेकिन वो सब कोशिशें विफल रही हैं। और इन कोशिशों के विफल रहने के बावजूद भी अगर अब कुछ किया जा सकता है तो ये यही है कि अशोक तंवर के अलावा जो अन्य जो कांग्रेसी नेता हैं जो वो रूठे हुए हैं, अब उनको मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब अगले बम जो हो सकते हैं वो वाले फोड़े जा सकते हैं जो लगातार टिकट नहीं मिलने से नाराज़ थे। कई जगह में कांग्रेस के जिन्होंने उन्हें पैराशूट उम्मीदवारों को भी उन्होंने टिकट दिया कांग्रेस हाईकमान की ओर से, तो कुछ उनके अपने जो कार्यकर्ता है जो ज़मीन पर लगातार काम कर रहे थे वो भी अब नाराज़ हो सकते हैं, वो भी अब कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं। अनमोल, दूसरी तरफ अगर सोना विधानसभा सीट की बात करूँ तो अशोक तंवर ने यह बड़ा आरोप लगाया था कि 5 करोड़ में बिकी है। आपको लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस पर मंथन करना चाहिए? हालांकि चुनाव आयोग का भी काम है ये कि देखे किस तरीके से तमाम चीज़ें चल रही हैं, और अगर ऐसा है तो बिल्कुल कानून की ये धज्जियाँ उड़ाते नजर आ रहे हैं लोग, और जाँच का विषय होना चाहिए। बिल्कुल अमर, अगर ये बात देखी जाए कि प्रोसीजर अगर लीगली देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन को ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि टिकटों का जो आवंटन है वो किस आधार पे हो रहा है। अगर टिकटें बेची जा रही हैं तो उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और वहीं कहीं ना कहीं दूसरी ओर ज़रूर सोनिया गांधी जो है हाईकमान को भी है इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर यही चलता रहा तो पार्टी को और भी है जो नुकसान काफ़ी नज़र आ सकता है। हालांकि ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, हरियाणा के विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले अगर अशोक तंवर पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा जो कि झटका जो किया पार्टी को लग सकता है, काफ़ी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा ज़रूर। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये जो वोट बैंक है ये किसकी तरफ जाता है। हालांकि अशोक तंवर को तो आप बता दो, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अशोक तंवर को लगभग हर पार्टी से ऑफर्स आ रही हैं अपने साथ जुड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले यही पता चला कि जजपा के साथ इनकी बातचीत भी चल रही है, हो सकता है जजपा जल्दी ज्वाइन भी कर ले। तो ये जो वोट बैंक होगा ये किस पार्टी को, जो वोट बैंक जो कांग्रेस की तरफ से टूटा है ये वोट बैंक कौन सी पार्टी को बेनिफिट देगा, ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। जी बिल्कुल प्रकाश, जजपा की तरफ रुझान या फिर किसी और तरफ ये भविष्य में तय होगा। हालांकि जोड़ तोड़ तो हर कोई करता है जब भी पार्टी को छोड़ता है, क्योंकि राजनीति सीखी, राजनीति खून में होती है, और एक सत्ता पाने का जरूर या फिर नशा कहें ऐसा होता है कि हर कोई चाहता है कि 5 बरस में जो मौका मिले वो ज़रूर उसमें सफल हों। लेकिन वाकई जजपा एक विकल्प हो सकता है इनके लिए, क्योंकि इनेलो का वोट बैंक भी जो है वो काफ़ी बटा है और समझा जा रहा है कि जजपा की तरफ जाता नजर आ रहा है, इसलिए जजपा बेहतर ऑप्शन होगा। देखिए अमर, अभी तो ये क्या सी लगाया जा सकता है कि अशोक तंवर हो सकता है कि जेजेपी में शामिल हो जाए, हो सकता है कि वो इसके अलावा किसी और अन्य दल के साथ भी जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी ये सब कुछ कहना कि आखिर अशोक तंवर। चलिए ठीक है, एक मिनट प्रकाश, आपको रोकना चाहूंगा। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम, अशोक तंवर की ये तस्वीरें, और तस्वीरों में देखिए आप किस तरीके से उनके चेहरे पर वो मायूसी थी और खामोशी थी। प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया और कांग्रेस की सभी कमेटियों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, और ये पत्र आपको दिखा रहे हैं। मैं अपनी टीम को चाहूँगा जरा ये पत्र दिखाएं फुल स्क्रीन पर, और हरियाणा की सियासत की अब तक की ये बड़ी खबर लगातार आप देख रहे हैं। तो लगातार ये पत्र आपको दिखा रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और दूसरी तरफ प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश, जिस तरीके से राहुल गांधी एक ईमानदार व्यक्ति बता रहे हैं अशोक तंवर, लेकिन उनका जो सीधा टारगेट था वो केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, वाकई हाईजैक जो कांग्रेस को करने का आरोप है इस पर, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खामोश हैं, पूरा फोकस उनका विधानसभा चुनाव की 90 सीटों पर है, लेकिन एक मजबूत स्थिति की बात की जाए कांग्रेस कहां पर अब खड़ी नजर आपको लग रही है? हालांकि सिरसा में तो काफी कमजोर, क्योंकि सिरसा से ताल्लुक है तंवर का। देखिए, जो कांग्रेस के जो लगातार जो गढ़ कहे जाते थे लोकसभा चुनावों में, हमने देखा कि जो एक कांग्रेस के किले माने जाते थे वो भी मोदी लहर में हमें ढहते हुए नजर आए हैं।
यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं तौर पर वहाँ पर भी कमज़ोर हुई है और ऐसा वो लगातार होती भी रही है, हर चुनाव में वो देखने को मिला है। बेशक वो हरियाणा के हो, महाराष्ट्र के हो, इसके इधर कहीं भी हो, लेकिन सिर्फ पंजाब में उन्हें एक सफलता हासिल हुई है। इस बीच में अगर जो आरोपों की बात की जाए, जो तंवर की ओर से लगाए जा रहे थे, वो कार्यकर्ताओं की नज़रअंदाजी के साथ साथ वो एक आरोप ये भी लगाते हुए अभी उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है कि उनका लगातार जब तक वो कांग्रेस में अब तक काम कर रहे थे उनका शोषण ही होता आया है। यानी कि आखिर ये किस तरह का शोषण था जो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, और एक पैसों में टिकट बेचने का वो आरोप लगा रहे हैं। ये वो तमाम बड़े आरोप हैं जिन आरोपों को लेकर ही कांग्रेस को हटाने की जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त जब एक बड़ी जीत हुई थी वो भी इसी की थी, और इस बीच में जब हम विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत देखते 2014 में तो वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों में। मुश्किलें हैं वो यहीं पर ख़त्म नहीं हुई हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए तो संजय निरूपण वहाँ पर खफा चल रहे हैं, उनका भी अशोक तंवर जैसा हाल है। इधर अशोक तंवर की बात की जाए वो भी अलग रास्ते पर चल चुके हैं। कहा यह जा रहा है, कारण बताओ, नोटिस भी कांग्रेस की तरफ से आ सकता है जब ये चुनाव खत्म होंगे? बिल्कुल अमर, पूरी पार्टी में जो है एक लहर नज़र आ रही है नाराज़गी की। काफ़ी लोग जो किया पार्टी के अंदर नाराज़ नज़र आ रहे हैं। एक तरफ हरियाणा में जो है जो नाराज़गी थी वो जो किया इस्तीफे में बदल चुकी है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर भी नाराज़गी काफ़ी नज़र आ रही है। तो ये भी ज़रूर स्पेकुलेट किया जा सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर भी जो है वो पार्टी की खिलाफत की जाए। तो अब जो है अगर पार्टी की खिलाफत महाराष्ट्र में भी की जाती है तो पार्टी बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाते क्या कुछ कह रहे हैं, पैसे लेके भाग जाए उसके। सर, ये फैसला लेने से पहले क्या राहुल जी से आपकी कोई बात हुई या? चलिए दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। अशोक तंवर फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं, और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश फुलारा न्यूज रूम से, और दूसरी तरफ अनमोल गुलाटी लगातार। अनमोल, अशोक तंवर को हालांकि कारण बताओ नोटिस पर हम बातचीत कर रहे थे, और वाकई समझा जा रहा है कि जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, और उसके बाद कांग्रेस का खैर जो भी नतीजा हो, लेकिन कारण जरूर पूछा जाएगा अशोक तंवर से। आपको रोकना चाहूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं अशोक तंवर क्या कह रहे हैं। तो मैं अब उनको क्या मानू, मैं उनको क्या मानू, जो मेरे को ना माने, जो हाईकमांड को ना माने, मैं उसको क्या मानू। हाईकमांड की क्या मजबूरी रही फिर भी उनको? देखिए, ये तो मैं यहाँ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो पार्टी हाईकमांड को ना माने, जिन्होंने सब कुछ उनको दे दिया, वो हमारे जो नॉमिनीज हैं उनको ना माने और लगातार अथॉरिटी चैलेंज करते रहे, तो मैं समझता हूँ कि वो उनको सब समझ में आ जाएगा जमीन पर। ये कहते हैं ना कि अशोक तंवर क्या है, अशोक तंवर बताएगा तुम्हें क्या है। तुम कहते हो कि तू क्या है, मैं पूछता हूँ तू क्या है। कितनी टिकटें बिकी हैं और कितने टिकट बेचे? यार, ये तो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में, आप किसी से भी पूछ लो। मैं किसने अभी तो मैं चिट्ठी लिखने में लगा रहा था कल पूरे दिन में चिट्ठी तैयार की। उसके बाद अब वो भी पूछे, वो भी बता दूंगा, वो भी बता दूंगा मैं। मैंने नहीं कहा, मेरे को क्या पता भाई, लोग कह रहे हैं, मैं उसका हिसाब किताब बताऊंगा आपको। बस बहुत बढ़िया बात, अगर खुश है तो मुझे खुशी मिली इतनी, मधुबन में ना समाए, बाहर निकल आए तो निकाले बाहर अपनी खुशी। देखिए, मैंने ये पहले ही कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा नेतृत्व से हमें कोई शिकायत नहीं, शिकायत जितनी है वो हमने इसमें लिख दी। ये तो सब भविष्य की बातें हैं, भविष्य क्या होगा। चुनाव में क्या रोल निभाएंगे आप? अब विधानसभा चुनावों में क्या रोल निभाएंगे आप? मैं मरोड़ निकालूंगा। मरोड़ समझते हो? जिस जिसके मरोड़ है उसकी सबकी मरोड़ निकलेगी। और जिस जिसके कहते हैं कि कईयों की गर्दन नहीं मुड़ती हूँ, कहते हैं उनकी गर्दन में सरिया है, वो सरिया निकालूंगा क्योंकि डॉक्टर हूँ। दो काम करने हैं, मरोड़ निकालनी है, सरिया निकालना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। फिर भाई ये सवाल पे आ गए आप। मैंने बताया ना कि ये लीडरशिप और हमारे बीच का एक उस रिश्ते की पवित्रता है,
उसको बरकरार रहने दीजिए। हम उनमें से नहीं है कि 26 साल वहाँ वो किया, आज ये हुआ तो हम उठपटांग बोलना शुरू कर दें। जो उनका फैसला है वो जाने कि क्यों लिया, किस हालात में लिया, लेकिन मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता मर रहे हैं कांग्रेस में, और अगर कांग्रेस को बचाना है तो उनको बचाना जरूरी है। Yes, we have been cornered. That's why we are now forced to take up such line. सर, हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनेगी? आप कह रहे थे कांग्रेस 85 पार होगी, कल तक कह रहे थे, अब आप आज बता दो कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी और हरियाणा में अगली सरकार किसकी बन रही है आपके हिसाब से? भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि अब भी कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन अब दूसरे लोग ना चाहते हो तो फिर क्या जीतेगी कितनी कांग्रेस? अब मैं तो आज भी कहता हूँ, अब की बार 85 पार कांग्रेस सरकार, भाजपा बार। देखिए अब ये किस किस का नाम लूं मैं, मुझे पता ही नहीं है ना अंदर से। मेरे से तो सब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, पर आपको कोई तो अंदाजा नहीं, नहीं मेरे को नहीं पता कौन कौन है। ऐसा कौन शख्स आ गया जिसने कॉर्नर, एक वीडियो भी मेरा मेरा मसीहा ही मेरा कातिल है। अशोक जी, वीडियो वायरल हुआ था पार्लियामेंट का जिसमें आनंद पटेल और गुलाम नबी आजाद के साथ टिकटों को लेकर चर्चा हो रही थी, एक हॉट डिस्कशन देखने को मिल रहा था, उसमें क्या नेताओं का क्या आप रोल मानेंगे? वीडियो अहमद पटेल और गुलाम नबी, वीडियो देखिए, विश्लेषण करिए, आप बताइए। मैं वीडियो के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरे को बहुत क्लियरली नहीं सुनता है, मेरा कान का पर्दा फटा हुआ है, वो भी है। तो देखा आपने अशोक तंवर किस तरीके से गरजते नजर आए, प्रकाश आपने भी सुना अशोक तंवर को, सीधा तहजीब की सीमाओं को लांघते हुए ये जो शब्दावली है तू तू मैं मैं तक जा पहुंची है और मरोड़ तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। प्रकाश प्रकाश सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो अनमोल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनमोल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे, अशोक तंवर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तू तू मैं मैं तक ये बात कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस को तोड़ने का, लेकिन वाकई लोकसभा चुनाव की बात कह रहे थे कि कांग्रेसी काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, लेकिन जिस तरीके से नया संगठन बनाया आलाकमान ने, एक नई कांग्रेस से निकल कर सामने आई और 6% जो है वोट बैंक वो भी बढ़ता हुआ नजर आया, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक दलील थी, उनका बयान था। क्या वाकई आप समझे जो कांग्रेस का ये हास्य देख पा रहे हैं? बिल्कुल अमर, क्योंकि काफी जो कि अब जैसे हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो शब्दावली हमने देखी, जो शब्दावली हमने सुनी तंवर की, अशोक तंवर की, तो उससे साफ नजर आता है कितने ज्यादा नाराज है पार्टी से काफ़ी ज़्यादा। हालांकि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, हालांकि जैसे कि अशोक तंवर का कहना था कि टिकटें बेची गई, हो सकता है कि अंदरूनी कुछ और भी मसले रहे हों जो कि सामने जग जाहिर नहीं कर पा रहे अशोक तंवर, इसके अलावा भी हो सकता है अंदरूनी पॉलिटिक्स हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो। और कहीं ना कहीं ये भी नज़र आया कि जो कि प्रायोरिटी अशोक तंवर को नहीं दी गई, हालांकि अशोक तंवर पार्टी में और हरियाणा की पॉलिटिक्स में काफ़ी ऊंचा कद रखते हैं, इसके बावजूद अशोक तंवर को जो है कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई, लेकिन फिर भी इस जिसके कारण जो नाराज़गी है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है और कहीं ना कहीं वो नाराज़गी शब्दावली में भी ज़रूर नज़र आ रही है अशोक तंवर की। जिस तरह से अशोक तंवर ने संबोधित किया, उन्होंने तू तू वर्ड्स का यूज़ किया, तो कहीं ना कहीं तू तड़ाक पे जो उतर आए अशोक तंवर, साफ नज़र आता है कि कितने ज़्यादा नाराज़ है पार्टी से। जी अमर, चलिए विचार भले ही अलग, लेकिन हम साथ, कांग्रेस ये चाह रहे हैं कि जीते विधानसभा चुनाव, लेकिन सवाल अब ये है कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश वाकई कांग्रेस का जनाधार बड़ा है या फिर इन तमाम चीज़ों के बाद कांग्रेस का जनाधार भविष्य में समझें और ज़्यादा कमज़ोर नज़र आएगा? जो जनाधार की जो लगातार बातें हो रही थी कांग्रेस के नेताओं की ओर से, हम ये सुनने को लिए मिल रहा था कि कांग्रेस लगातार मजबूत होती जा रही है यहाँ पर हरियाणा में, और कांग्रेस जो चुनाव होंगे विधानसभा के उसमें बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो जिस तरह से अब एकाएक
जो नाराजगियों का जो एक तरफ से हमें देखने को मिल रहा है कि हर एक नेता अब लगातार नाराज होता जा रहा है, अशोक तंवर प्रमुख है उनमें से, ऐसे में जो अशोक तंवर जो उनकी प्रेस वार्ता में जिस हिसाब से वो शब्दों की एक जो जिस हिसाब से वो एक शब्द व्यू रचना नहीं कर पाए, शब्दों की जो माला होती है, जो एक शब्दों की एक मर्यादा होती है, उससे इतर होकर उन्होंने जो पार्टी के लिए जो तू तड़ाक वाले जो शब्द इस्तेमाल किए, यानी कि साफ तौर पर ये है कि ये नाराज़गी बहुत ज़्यादा है और ये नाराज़गी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब कहीं ना कहीं तौर पर अशोक तंवर जो लगातार ये कहते आते हैं कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार उनकी जो सियासत है उसको ख़त्म करना चाहते हैं या उनके लिए एक दुश्मन बने बैठे हैं, ऐसे में अशोक तंवर उनके सामने अब ऑफ फ्रंट फुट पर आकर वो बैटिंग करते हुए नजर आएंगे और उनके सामने एक अशोक तंवर एक चुनौती बड़ी होगी इस चुनाव में भी कि आखिर उस चुनाव में जो वो एक जीत का सपना पाले बैठे हैं, कहीं अशोक तंवर उस जीत के सपने में उनका जो सपना है उसे चकनाचूर ना कर दे, क्योंकि अशोक तंवर लगातार हुड्डा खेमा जो खासकर अशोक तंवर के जो निशाने पर रहा है और अशोक तंवर हुड्डा खेमे के रहा है और हुड्डा खेमा हमेशा अशोक तंवर के निशाने पर रहा है, तो यहाँ पर ये समझना होगा कि आखिर जो बीजेपी के साथ जो लड़ने की बातें होती है, कांग्रेस की इनेलो के साथ जो लड़ने की बात हुई है, जजपा के साथ होती है, अशोक तंवर अब उन्हीं लोगों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं जो हुड्डा हैं, जो सुशैलजा हैं और जिसके दम पर इस बार 90 की 90 जो विधानसभा जो सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर जो कांग्रेस इस बार फिर से सत्ता में लौटने का ख्वाब देख रही है, कहीं ना कहीं तौर पर यह ख्वाब अब उसका आसानी से पूरा होता हुआ अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल अनमोल, आखिरी सवाल आपसे अनमोल, जिस तरीके से आप अशोक तंवर की बात की जाए, जैसे कि आपने सूत्रों के बारे से बताया कि जजपा से इनकी बातचीत हो रही है, वोट बैंक तो शिफ्ट होगा ही, लेकिन क्या एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ किसी भी दल में जाने के लिए सोचेंगे और किसी दूसरे दल के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि एक ऐसे नेता को अपने साथ लेकर जाएं जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा, चाहे सीडी मामले की बात की जाए या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो कलह चल रहा है, ये कुर्सी विवाद को ही लेकर है तमाम चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ वाकई ये समझे अब कांग्रेस रोहतक में, सिरसा में या फिर इधर सोनीपत की बात की जाए या फिर और जगहों पर जहाँ अशोक तंवर के धड़े के जितने भी नेता हैं वो कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम करेंगे, क्योंकि साफ शब्दों में उन्होंने एक चैलेंज दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कुछ देर पहले हमने सुनाई, चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं कि मरोड़ निकालेंगे वो। बिल्कुल अमर, क्योंकि नाराज़गी जो की है वो साफ नज़र आ रही है, स्पष्ट नज़र आ रही है अशोक तंवर की शब्दावली से, और ये जो नाराज़गी है ज़रूर कांग्रेस को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगी, कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएगी, और ये जो नाराज़गी है इस नाराज़गी का खामियाजा कांग्रेस को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वोट बैंक चूँकि है बड़ा वोट बैंक जो कि कांग्रेस से टूटेगा, और साथ ही ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी अशोक तंवर की कि सूझबूझ के साथ किस पार्टी को समर्थन देना, जो पार्टी को समर्थन देंगे उस पार्टी को ज़रूर बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है, बेशक बात की जाए इंटरनेशनल लोकदल की, बेशक बात की जाए जननायक जनता पार्टी की या फिर कोई और, तो इन पार्टीज़ को जब अगर समर्थन देंगे तो इन पार्टीज़ का, क्योंकि कहीं ना कहीं जेजेपी जैसी पार्टी है जिसका कुछ ज़्यादा स्टैंड हरियाणा के अंदर नहीं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सिरसा से अनमोल, हमें जानकारी देते, दिल्ली से मनीषा और न्यूज़ रूम से प्रकाश फुराला, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक अध्याय का फिलहाल यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल अंत हुआ और अशोक तंवर एकला चलो की नीति पर जाएंगे या फिर किसी और दल की ओर, सूत्र बता रहे हैं जजपा, लेकिन कयास कहाँ या फिर भविष्य कहाँ देखना बाकी। नमस्कार।